हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, दो घनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है या उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे बना सकते हैं। 3:4 में दिया गया, ये कितना होता है, 5:6 में हो रहा है। अंतर देखिए कितने का है, 2 का, लेकिन ये टोटल 4 3 7, ये कितना दिया गया, उनका योगफल 70, इससे कितना गुना, तो ये 10 गुना हो जाएगा, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20। तो 20 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो संख्याओं का योग 29 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग, तो एक्स प्लस वाई मानेंगे कितना दिया गया है, 29, और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 145। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 145। तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स एक बार एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 145। अब देखिए किसी एक का मान दिया होगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया गया, 29, ये मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से क्या है, 145, एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वाई और 145 नीचे कितना आ जाएगा, 29। 29 से इसको कटा लेंगे, कितने बार में कटेगा, पांच बार में, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। यही पूछा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 12768 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे बना सकते हैं, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। बड़ी संख्या पूछा है, तो मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है, सम संख्या का 114। छोटी सम संख्या कौन सा हो जाएगा, 112। क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 4 × 2 = 8 आ जाएगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इतना आ जाएगा 12768, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि एक आदमी का वेतन पहले 20% घटा दिया जाए, तदउपरांत 10% बढ़ा दिया जाए, तो उनके वेतन में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इसके लिए भी 2 या 3 तरीका बताएंगे आपको, जो तरीका अच्छा लगे बना सकते हैं। देखिए 20% को तोड़ेंगे, 20% को तोड़ेंगे कितना जाएगा, 20 × 500, 1/5, और यहाँ कितना है 10%, तो 10% को तोड़ेंगे कितना जाएगा, 1/10, ये क्या हो रहा है, 5 से 4, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है घट रहा है, तो इसको लिखेंगे 5 से 4, और यहाँ क्या आ रहा है, बढ़ रहा है 10 से 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44। दोनों का अंतर देखिए 6 है, और ये नीचे आ जाएगा 50, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100, 50 × 100 कितना आ जाएगा, 6 × 12, 12% कमी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ 50 और 44 है तो कमी होगा। चलिए और भी इन तरीका बताते हैं आपको, कितना कैसे इसको बना सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं जो भी होगा वहाँ लिखना है, प्लस एक्स वाई बाय 100, यहाँ भी प्लस माइनस, तो क्या हो रहा है, 20% घट रहा है, तो क्या लिखना है, माइनस में माइनस 20% घट रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 10% यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ माइनस है और प्लस है, तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस लिखेंगे एक्स वाई, 20 × 10, नीचे कितना आ जाएगा, 100, तो 00 से ऊपर वाला 00 कट जाएगा। यहाँ से इसको घटा लेंगे, देखिए माइनस 20 है और 10 है, कितना आ जाएगा, -10, और यहाँ कितना बचा, -2, तो इस जगह लिखेंगे -2, टोटल को जोड़ेंगे तो -12 आ जाएगा, तो 12% कहीं कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका और भी तरीका है, और भी तरीका जान लेते हैं कैसे। देखिए 100 मानेंगे, इसमें से 20% घट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 80/100, और यहाँ क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 110/100। अब 100 से 100 कटा सकते हैं, 1 2 0 कट जाएगा, 11 8 88 आ जाएगा, 88 आ गया। अब क्या करना है, 100 में जो हम लोग 100 माने थे, 100 में 88 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 12% की कमी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सब क्वेश्चन जल्दी बनते भी नहीं हैं, तो इसको सबसे आसान तरीका बताएंगे, आप लोग बना सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यदि कोई धन 16 वर्ष में दो गुना हो जाता है तो वह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा पूछा है, तो उल्टा कैसे बना सकते हैं, 16 वर्ष में दो गुना हो रहा है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यही पूछा उल्टा। अगर इधर से पूछता तो आसानी से बना सकते हैं, उसके लिए ट्रिक सबसे आसान है। तो यहाँ से कैसे बना सकते हैं, मानेंगे प्रिंसिपल इसमें मानना होगा, पी मानेंगे कितना 100 मान लिए। अब रेट प्रतिशत इसमें निकालना होगा, रेट प्रतिशत निकालने के लिए जितना पहले वाले वर्ष दिया गया है तो प्रिंसिपल में वही उससे भाग देंगे, 100 माने हैं इसमें 16 से भाग दे देंगे तो कटा लेंगे, ये कितना आ जाएगा 25/4, ये क्या आ गया रेट प्रतिशत। और टाइम देखिए कितना दिया गया है, 8 वर्ष इस जगह लिख लेते हैं, टी बराबर 8 वर्ष। अब देखिए SI बराबर क्या होता है, फार्मूला SI बराबर होता है PRT बाय 100, यानी नीचे 100। तो SI निकालने के लिए P कितना माने हैं 100 और R कितना आ जाएगा 25/4 और टाइम देखिए 8 वर्ष दिया गया है, नीचे कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा और ये 25 है, 4 से ये कितने बार में कटेगा 2 बार में, ये टोटल कितना आ जाएगा 50, ये क्या आ गया SI आ गया। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो प्रिंसिपल यहाँ कितना है 100 और SI कितना है 50, टोटल को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 150, 150 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल से इसको भाग देना है, 150 को 100 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 को भी सॉल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा, तो 1/2 गुना ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इस तरीका से कोई भी अभी तक नहीं बताया, ये आसानी से क्वेश्चन इस तरीका से ही बना सकते हैं और कोई भी तरीका नहीं है। अगर इसमें 100 मानेंगे भी कि इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए तो उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी। ये साधारण ब्याज का दोनों क्वेश्चन है, तो रेट प्रतिशत फिर से यहाँ पे मानना होगा, 100p मानना होगा, तो रेट प्रतिशत कितना 100 और पहले वाले वर्ष कितना दिया गया 6, तो 6 वाले से भाग दे देंगे, कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 25/3। अब SI निकालना, SI बराबर कितना होता है PRT बाय 100, तो इसी में लिखना है 100 लिखेंगे और रेट प्रतिशत कितना आ गया 25/3 और टाइम कितना दिया गया 12 वर्ष में कितनी गुनी, तो यहाँ लिखेंगे 12 और नीचे कितना आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 3 से ये कितने बार में कटेगा 4 बार में और ये कितना आ जाएगा 200। अब अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस SI जोड़ना होगा, प्रिंसिपल कितना है 100 और SI कितना आ गया 200, टोटल को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 300। अब क्या करेंगे, 300 में 100 से भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 गुना हो जाएगा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर ए। इसको ये क्वेश्चन में मान के भी बना सकते हैं, 6×5=3, 300 करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई, बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए भी फार्मूला है और बिना फार्मूला का भी बताएंगे। सबसे पहला फार्मूला जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं, जब यह प्रतिशत वाला रहे तो 80% ये सब फार्मूला पे बन जाएगा। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाय 100 इसी पे रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2+2 मल्टीप्लाई में 2×2, नीचे कितना आ जाएगा 100, ये 4 आ जाएगा और ये 4 नीचे कितना 100, ये तो पॉइंट आ जाएगा ऊपर में कितना 0.4 आ जाएगा, 0.4 यहाँ लिखना है 0.04। तो क्या करेंगे, ये टोटल को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 4.04%, ऑप्शन नंबर ए। इसको और दूसरा तरीका भी करके बना सकते हैं, कितना दिया गया 2%, तो 2% को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1/50, 2/100 करेंगे ये कितना आ जाएगा 1/50। तो क्या करना है, 2% की गलती हो रहा है तो इसमें बढ़ा लेंगे 50 से 51, फिर 50 से 51 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2601, अंतर कितने का है देखिए 101 का, नीचे आ जाएगा 2500, यहाँ नीचे लिख सकते हैं 2500, इधर लिख लेते हैं
101 नीचे 2500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 यहाँ से कटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 के अनुपात में है, 12 वर्षों के बाद की उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो इसमें भी दो तरीका आपको बताएंगे, सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे लिखना है मदर और डॉटर का कितना दिया गया है, 8:3 में दिया गया है, ये कितना हो रहा है 2:1 में हो रहा है। तो यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ये रेशियो बराबर करना है, तो रेशियो अपने मन से बराबर करेंगे तो गलती भी हो सकता है। इसको जानने के लिए कैसे करेंगे, ऊपर वाले का अंतर देखेंगे कितना का है 5 का, और नीचे अंतर कितना है 1 का, तो ऊपर वाले अंतर जितना आया नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाला जितना अंतर आया ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाले में 1 अंतर आया, इसमें 5 अंतर आया, तो नीचे वाले में 5 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, और इसमें 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, और ये कितना आ जाएगा 5 3 15, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर में देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या करना है, देखिए 8:3 में दिया गया है और 2:1 है, ऊपर अंतर 5 का है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 का अंतर है ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 5। अब देखिए अंतर दोनों तरफ सेम है, तो 2 अंतर है लेकिन बोल रहा है 12, इससे कितना गुना 6 गुना ज़्यादा, तो ऊपर वाला भी ये 6 गुना हो जाएगा, ये भी 6 गुना 48, और ये 6 गुना ये कितना जाएगा 18। तो इसका दोनों का योग पूछा है, 48 + 18 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 66। 66 देखिए आंसर दिया गया है। इसका और दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं, देखिए और दूसरा तरीका क्या करना है, 8:3 है, लिखेंगे 8:3, 12 वर्ष बाद, तो यहाँ दोनों तरफ 12+ लिखेंगे, और अनुपात कितना हो रहा है 2:1 में, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, और इधर कितना आ जाएगा 6, तो जो बड़ा है उसमें घटा लेंगे कितना आ जाएगा 2। अब क्या करना है, इधर वाले से फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से कितना आ गया था 2 आ गया था, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 12, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में 12 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6, यहाँ से कटा लेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 = 6, तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, इधर मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये कितना आ जाएगा 18, दोनों का योग पूछा है, देखिए दोनों का योग, इसमें 18 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 66, 66 देखिए आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 420 लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी, तो क्या करना है, इसमें दोनों का योग हो जाएगा। देखिए समझाने के लिए आपको बता देते हैं, यहाँ से पुल का है तो कितना दिया गया इसका, 180 मीटर, और रेलगाड़ी जो होगा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, जैसे रेलगाड़ी है तो इसका भी हो जाएगा, तो ये कितना है 420, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये दूरी आ जाएगा, दूरी कितना आ जाएगा 600 मीटर, ये मीटर में है। तो अब ध्यान देना है चाल बराबर क्या होता है, इस जगह लिख लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर यहाँ पे कोई भी पूछता, अगर समय का पूछा है तो इस जगह समय रखेंगे और नीचे चाल आ जाएगा, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल, तो समय ही पूछा है तो टी बराबर ये समय मान लिए, क्या हो जाएगा नीचे चाल हो जाएगा, दूरी कितना है 600, इस जगह लिखेंगे 600, और यहाँ से चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखेंगे 80। आंसर देखना है किस में दिया गया है, सेकेंड में दिया गया है, तो क्या करेंगे, छोटे वाले को ऊपर रखना है सेकेंड में, और अगर किलोमीटर का पूछता तो बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, ये ध्यान में रखना है, याद रखने के लिए ट्रिक समझ सकते हैं। तो छोटे वाले मतलब 5/18, अगर यहाँ पे किलोमीटर में रहता तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 18 जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 18, और यहाँ से क्या हो जाएगा 18 हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से 12 पंचे 60 कट जाएगा, और ये 4 × 2 = 8, 4 3 = 12, और 2 से ये 2 × 9 = 18, अब 3 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27, 27 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण के पेंट में पानी का अनुपात 4:3 है, यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए
तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए पेंट की मात्रा, दिए गए मिश्रण में पेंट की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए पी से पेंट मान लेते हैं और वाटर मान लेते हैं, ये कितना दिया गया 4:3 में, ये कितना आ रहा है 4:5 में। तो वाटर में अंतर कितने का आ रहा है 2 का, लेकिन ये बोल रहा है 5 लीटर में मिला रहा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5/2। लेकिन पूछा किसका है, मिश्रण का, मिश्रण में पेंट का, तो पेंट कितना है 4, तो 4 इधर लिखेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई में 4, तो 2 से ये कितने बार में कटे जाएगा 4 बार में, 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 10, तो ये ही आंसर आ जाएगा 10। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।